हरे कृष्णा। प्रश्न ये है कि जब महाभारत की आखिरी लड़ाई चल रही थी कर्ण और अर्जुन के बीच में, उसमें अर्जुन तो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहा था, लेकिन कर्ण के साथ दो दो श्राप थे, एक परशुराम जी का और एक ब्राह्मण का। तो क्या कर्ण के साथ गलत नहीं था? क्या इन श्राप की वजह से वो कमज़ोर नहीं हो गया था? देखिए, श्राप कर्ण को मिले थे, लेकिन क्या सिर्फ कर्ण को मिले थे? श्राप तो बहुत लोगों को मिले थे। श्राप तो अर्जुन को भी मिला था। अर्जुन जब अलग अलग जो आधुनिक हथियारों के खोज में अलग अलग प्लैनेट्स पे जा रहा था, अलग अलग देवी देवताओं को खुश कर रहा था, तो वो एक बार स्वर्ग में था और वहाँ स्वर्ग में उर्वशी ने जब उसको देखा था, उसकी तरफ बहुत आकर्षित हो गई। तो उर्वशी ने आके उसको बोला कि उसके साथ यूनाइट होना चाहती है। तब अर्जुन ने उसको मना किया था, उसने बोला कि हमारे जो पूर्वज हैं पूर्वसा उन वो आपके साथ यूनाइट हुए थे, तो आप तो एक तरह से मेरी माँ के समान हैं। तो इस बात पर उर्वशी बहुत क्रोधित हो गई थी और उसने अर्जुन को श्राप दिया था कि तुम यूनुक बन जाओगे। अब आप देखिए, जिस चीज़ के लिए उसको आदर और सम्मान मिलना चाहिए था, इतना ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल की स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा ने उसके पास आकर यूनाइट होने के लिए बोला, और जबकि स्वर्ग में कुछ गलत भी नहीं है, उसके बावजूद अर्जुन ने उसको मना कर दिया। कितना सेल्फ कंट्रोल है! उसके लिए उसको आदर और सम्मान मिलना चाहिए था, इनाम मिलना चाहिए था, उसके लिए उसको श्राप मिल गया। अगर आप कर्ण के केस में देखें तो कर्ण की तो फिर भी गलती थी, उसने भगवान परशुराम से झूठ बोला था कि वो ब्राह्मण है, जबकि वो ब्राह्मण नहीं था। उसने ब्राह्मण की गाय को मारा था, हालांकि उसकी इंटेंशन नहीं थी, बट फिर भी आप सोचिए कि अगर मैं रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ, हाँ, और मेरी कार के नीचे आके किसी की मृत्यु हो जाए, किसी बच्चे की, किसी इंसान की मृत्यु हो जाए, मेरी इंटेंशन तो नहीं है उसे मारने की, लेकिन गलती तो हुई है ना, उसकी मृत्यु तो हुई है ना। इसी तरह ब्राह्मण की गाय को उसकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन कर्ण ने मारा तो था ही ना। तो कर्ण के जो श्राप मिले थे उसकी गलतियों की वजह से मिले थे। दूसरी बात देखिए, जब अगर आपको श्राप मिलता भी है तो आपको ये देखना चाहिए कि मैं कैसे उससे इंटेलिजेंटली डील कर सकता हूँ। श्राप मिलने का मतलब ये नहीं आप पूरी ज़िंदगी उसका बहाना लेके बैठे रहें कि मुझे श्राप मिला था इसलिए मैं नहीं कर पाया। श्राप तो कितने लोगों को मिलता है? श्राप तो दशरथ महाराज को मिला था, श्राप पांडु को मिला था, श्राप जो है परीक्षित महाराज को मिला था। तो ये हमेशा बैठे नहीं रहे कि मुझे श्राप मिल गया, इन्होंने इंटेलिजेंटली उससे डील किया। आप अर्जुन के केस में देखिए, उसको यूनुक बनने का जब श्राप मिला तो वो खाली बैठा नहीं रहा, उसने इंटेलिजेंटली उसको उस टाइम यूज़ करा जब उसको उसकी ज़रूरत पड़ी। एक यूनुक के रूप में, एक 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 राजकुमारी के संगीत के शिक्षक के रूप में उसने उसका इस्तेमाल किया। कर्ण भी कर सकता था, कर्ण को किसने रोका था क्या? आप सोचिए, जब वो लड़ाई लड़ने जा रहा था तो परशुराम ने उनको श्राप दिया था कि तुम मेरी सिखाई हुई विद्या को यूज़ नहीं कर पाओगे, उन्होंने ये नहीं बोला था कुछ भी नहीं यूज़ कर पाओगे, तो वो उनके भरोसे क्यों बैठा रहा? उसने बाकी शिक्षा लेने की कोशिश क्यों नहीं की? उसने बाकी आधुनिक हथियारों को लेने की कोशिश क्यों नहीं की? अर्जुन को कहीं घर पर बैठे तो नहीं मिल गए? अर्जुन ने भी हिमालय जाके अलग अलग तरीके से तपस्या की थी, देवी देवताओं को खुश किया था, अलग अलग प्लैनेट्स पर जाके अलग अलग हथियार लेके आया था। कर्ण भी कर सकता था, उसको किसने नहीं रोका था? आप चाहते हो कि दुनिया में आपको सर्वश्रेष्ठ धनुधर की उपाधि मिले और आप अपने फाइनल मैच में, फाइनल जो लड़ाई है, आप उसमें उन हथियारों के साथ जा रहे हो जिनको आपको पहले ही पता कर्स है। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं और क्या कर सकता हूँ इसको ओवरकम करने के लिए। इसी तरह ब्राह्मण ने उसको श्राप दिया था कि तुम्हारा रथ काम नहीं आएगा। ठीक है, वो रथ हमेशा एक बैकअप के तौर पर एक दूसरा रथ रख सकता था। वो चाहता तो रथ की बजाय हाथी पे, घोड़े पे, किसी और चीज़ पे लड़ सकता था, सोच सकता था कि इस चीज़ से मैं कैसे भा रहा हूँ, कभी नहीं कोशिश की। मतलब आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो और आप उन हथियारों के, उन रथ के भरोसे पे बैठे हो जिस पर आपको श्राप मिला हुआ है। आपने कभी कोशिश नहीं की जानने की कि मैं और क्या कर सकता हूँ, और आप चाहते हो दुनिया आपको सबसे धनुर्धर मांगे। देखिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आप इतने बड़े लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो इस तरह के बहाने बनाने से काम नहीं चलता है कि मैं इसलिए नहीं कर पाया, मैं उसलिए नहीं कर पाया। ठीक है, श्राप खाली आपको नहीं, श्राप और भी बहुत लोगों को मिला था। तो हमें किसी भी तरीके से खामखा उसको बेचारे की या तरस की नज़र से कर्ण को नहीं देखना चाहिए। इस बात को समझ चाहिए कि उसने इन श्राप को, अगर उसको मिले भी थे, उसने इनसे बाहर आने के लिए कभी कोई कोशिश नहीं की। हरे कृष्ण।